तो हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक ऑप एम्प आईसी की मदद से आप एक एम्पलीफायर सर्किट बना सकते हो। ओके, तो पहले तो मैं बता देता हूँ जो मैं कौन सा वाला ऑप एम्प आईसी यूज़ कर रहा हूँ। तो ऑप एम्प आईसी जो होता है, तो देखिए वो है LM358। तो गाइस, आज हम इसी आईसी की मदद से आप एक मैक एम्पलीफायर सर्किट बनाऊंगा। ओके, जिससे मैं ऑडियो प्ले करूंगा और आउटपुट लूंगा स्पीकर के मदद से। ओके, तो मैं पहले तो आपको इसको ओपन आईसी क्यों कहते हैं मैं बता देता हूँ। क्योंकि आईसी इस आईसी के 8 पिन है, ठीक है। तो इस आईसी में दो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और दो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट है, तो इसलिए इसको टू चैनल ऑपरेटिंग आईसी कहा जाता है। और इसके शॉर्ट में मैंने शॉर्ट शॉर्ट तरीके से इसको ओपन आईसी कहा जाता है। ओके, तो पहले में तो मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो कैसे हम एक ऑडियो एम्पलीफायर बनाने वाला हूँ इसके मदद से। ओके, तो पहले चलो सर्किट को मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस, ये रहा हमारा ऑप एम्प आईसी, ठीक है, LM358। इसका जो पिन आउट है वो 8 पिन है, ठीक है। तो गाइस, हम क्या करेंगे, इसकी 2 नंबर पिन पे एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस जुड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इस 2 नंबर पिन को पहले तो मैं कॉन्फियर कर देता हूँ, ये फर्स्ट वाला पिन है। ओके, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, तो यहाँ पर 8 जगह से खत्म होती है। ओके, तो गाइस इस फर्स्ट मेरा जो दूसरा पिन में 100 के को जोड़ दिया। ओके, इसको जोड़ने के बाद मैं इसको 1 के साथ जोड़ दूंगा ऐसे कुछ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक एन पिन ट्रांजिस्टर लूंगा जो होगा BC547, ठीक है। तो उसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। उसकी जो इमीटर साइड है उसको मैं इस तरफ रखूंगा। रखने के बाद मैं क्या करूंगा, इमीटर साइड को आईसी की जो 4 नंबर पिन है उसके साथ जोड़ दूंगा। ओके, उसके बाद बचा रहता है कलेक्टर और बेस, ठीक है। तो बेस और कलेक्टर में हम एक 1K को ऐसे लगा देंगे, ठीक है। 1K के लगाने के बाद दिखाता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ देंगे, ओके, जो कि होगा जिसकी नेगेटिव साइड इस साइड रहेगा और पॉजिटिव इस साइड। ओके, तो गाइस इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका जो मान रहेगा 470 UF का, ओके, ठीक है, 25 वोल्ट का, ठीक है। तो गाइस इसका जो जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेके इस 100 के साथ जोड़ देंगे। ओके, यहाँ पर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट के लिए, ऑडियो इनपुट के लिए हम क्या कहेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे 2.2 माइक्रोफैरड का। ओके, जिसका नेगेटिव साइड को हम क्या करेंगे आईसी के 3 नंबर पिन के साथ, 3 नंबर पिन के साथ कुछ यहाँ पर जोड़ देंगे। ओके, और हमारा जो ग्राउंड होगा वो आईसी का ग्राउंड है, मतलब उसका जो इस आईसी का ग्राउंड है 4 नंबर पिन और पॉजिटिव पिन है 8 नंबर पिन। ओके, तो हम ग्राउंड के लिए 4 नंबर पिन पे ग्राउंड दे देंगे। ओके, तो गाइस हम इनपुट ऑडियो इनपुट के लिए तो मैंने यहाँ पर ले लिया और ग्राउंड भी मैं यहाँ से ले लूँगा। ओके, तो गाइस हो गया हमारा ऑडियो इनपुट। तो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक स्पीकर कर लेंगे, ठीक है। स्पीकर को लेने के बाद हम क्या करेंगे, स्पीकर लेने के बाद इसका जो स्पीकर का जो पॉजिटिव पिन है, पॉजिटिव को हम क्या करेंगे आईसी के 8 नंबर पिन को साथ जोड़ देंगे। ओके, और उसकी जो नेगेटिव जो आईसी के सॉरी जो स्पीकर की जो नेगेटिव पिन होगा उसको हम क्या करेंगे, जो कलेक्टर था सॉरी जो कलेक्टर था उसके साथ हम जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ जोड़ देंगे इसके साथ, ठीक है। तो जोड़ने के बाद सर्किट हो चुकी है कंप्लीट गाइस, ठीक है। तो गाइस यही था सिंपल सर्किट, ठीक है। तो बहुत ही मैं आपको बहुत ही जल्दी जल्दी समझ रहा बोल रहा हूँ, तो आपको समझने में दिक्कत आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो गाइस इसी सर्किट की मदद से हम एक आप मैं आपको एक ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं।
तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताएगा कमेंट के माध्यम से। ओके तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके तो चलिए मिलते हैं और नई प्रोजेक्ट के साथ नई वीडियो में।